इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं रेलवे के सभी एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल साइंस के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था यूरिया। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेड भंडारित बैक्टीरियो में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। कोण की इकाई मात्रक होता है रेडियन। कोण की इकाई मात्रक रेडियन को कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट प्रौद्योगिकी में द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल। अणुओं के बीच कोहेसिव बल में द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। जो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी, तो राइट आंसर मैडम क्यूरी ने। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। यकृत द्वारा स्त्रवित पीत रस कहाँ संचित रहता है? तो इसका राइट आंसर पित्ताशय में हो जाएगा। रसवेदन शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? तो CO2 54% और CH4 30%। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। जड़त आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एक जूल बराबर होता है 10^7 अग्र के। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरिकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्वनि तरंगे होती है आंशिक लंबत आंशिक त्रियक। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग हम लोग हाइट मापने के लिए यूज करते हैं। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है ओम का नियम। ओम का नियम कहा जाता है जो दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है उत्तल। कैमरे में जो हम लोग लेंस उपयोग करते हैं वो उत्तल लेंस होता है। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है उत्तर दक्षिण। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आवासी स्थिति उत्तलोल लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस की दुगुनी लंबाई पर। फोकस की दुगुनी लंबाई पर। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। जब भी हम लोग ऊंचाई पर खाना बनाएंगे तो वहाँ का जो होता है वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। किसी तारे को दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है प्रकाश वर्ष। अगर तारे की दूरी हम लोग मापेंगे तो प्रकाश वर्ष से मापेंगे। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? धातुएं चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हाइड्रोमीटर। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी के रूप में स्थानांतरण की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी की यूनिट है तो जी की यूनिट m² प्रति kg² हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg². एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? ध्रुव पर। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है DNA द्वारा।
उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा। गतिमान वस्तु में होती है, गतिज ऊर्जा होती है। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लेटिनम, प्लेटिनम सबसे कठोर धातु तत्व है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बायक्यूलर दूरबीन। बैरोमीटर का उपयोग है वायुमंडलीय दाब को मापना, बैरोमीटर का उपयोग जो होता है वो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। जल का आयतन सबसे कम 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो इसका प्रथम नियम न्यूटन। अल्फांसो है एक आम का एक प्रकार है। गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो गति के नियमों की खोज न्यूटन ने की थी। सबसे हल्की धातु लिथियम है। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पत्ती, पत्ती जो है प्रश्वसन का कार्य करता है। छोटे बच्चे में ऐंठन मिरार होने का कारण की कमी होना है विटामिन B6। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है, हो जाएगा लाइम, सिलिका और एलुमिना। इंसुलिन स्त्रावित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज में।